ठीक है, यू आर गोइंग आउट, प्लीज जॉइन इन अगेन। ऑलराइट, किशोर ने दिया था इंस्ट्रक्शन, सो ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एक बार फिर इसको हम यहाँ पे देख लेंगे, आई जस्ट हैव टू टेल यू द सेंटेंसेस ओवर हियर, तो उसको एक बार यहाँ पे देख लेना। अच्छा, आई वांट टू आस्क अपूर्वा, इज इट ओके इफ यू जस्ट लाइक, अगर आपको हम 6 से 7 वाले बैच में शिफ्ट करें तो विल इट वर्क फॉर यू अपूर्वा? का यस काफी वो था लाइक, मतलब आई होप इट डज नॉट लाइक क्रिएट्स अ इशू विद योर क्लास टाइमिंग एंड एवरीथिंग। वो नहीं होगा ना आपका कभी भी सर? सुबह 6 से 7? ना, शाम को सर। तो वही तो था पहले भी। नो, एक्सेप्ट आपको बताता हूँ, just wait a minute, I'll tell you after the class, just wait a minute, I'll tell you what I'm trying to tell. Okay, let me just join from this end as well so we can start with the content. Takes good job. Sachin, Akriti, good evening. Good evening sir. ऑलराइट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट डायरेक्टली। सो यहाँ पे लेट मी जस्ट स्टार्ट द स्क्रीन शेयर क्विकली एंड लेट्स कम ऑफ टू द टॉपिक व्हिच वी हैव कवर्ड बाय फार। अच्छा, जिन लोगों का लास्ट लेक्चर मिस हुआ था, सो इफ पॉसिबल जस्ट गो थ्रू द लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपका रिकॉर्डिंग पे आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, सो जस्ट इफ पॉसिबल जस्ट गो थ्रू दैट। हमने सिलियन फ्लैजेला हमने कवर किया था, सो प्लीज हैव अ लुक एट दैट। और हाँ, एक बार फिर बताऊंगा आपसे कि अगर आपको लेक्चर चाहिए तो देन प्लीज क्विकली रीच आउट टू निशान सर, दैट वुड बी द बेस्ट वे टू गेट द लेक्चर्स and the recording in a short duration of time, right? All right, so let me start the screen share and let's see aaj hum yahan pe kya dekhna hai. To first of all humne jo kal dekha tha usko hum thoda sa revise kar lete hain yahan pe. So humne yahan pe cilia flagella yahan pe humne hamara cover kiya tha, that is something we have done. Humne centrals mein hota aapka arrangement kya hota hai humne yahan pe dekha, and then we have seen the arrangement of your flagella as well, because sabhi arrangement humne yahan pe dekha, that is my 9+2 arrangement. Ye cheez humne dekh li thi. एक चीज आप याद रखना कि आपके जितने भी पेरिफेरी में आपके डबलेट यहाँ पे हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल शीट के साथ इंटरैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माय रेडियल स्पोक्स। दे विल बी इंटरैक्टिंग विद माय रेडियल स्पोक्स, सो रेडियल स्पोक्स के साथ वहां पे इंटरैक्ट कर सकते हैं, ओके? उसके अलावा याद रखना जितने मेरे यहाँ पे डबलेट है, वो डबलेट एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहेंगे मेरे कनेक्टेड, एंड दैट इज समथिंग विच विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय लिंकर प्रोटीन। वहां पे जो कनेक्शन आपके यहाँ पे बन रहा होता है, that connection over here is called as my linker protein, so that is going to be my linker protein, okay? ab yahan pe kuch cheeze likhi hui hai, isko hum fatafat yahan pe dekh lete hain. The electron microscope study of cilium or flagellum shows that they are covered by plasma membrane. ye baat yaad rakhna ki cilia ho ya flagella ho, unke aas pass aapko plasma membrane ki covering aapko milti hai. excuse me, they are always going to be covered by my plasma membrane, that's the first thing you have to know. सेकेंड चीज, ये जो कोर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कोर स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस कोर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय एक्सोनियम। तो जो कोर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड माय एक्सोनियम, और इसके अंदर आपको क्या मिलता है, इट पोजेसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, जिसके अंदर आपको कई सारे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। द एक्सोनियम यूजुअली हैज 9 डबलेट आपको मिल रहे हैं, राइट, ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरियल माइक्रोट्यूब्यूल, जो आपके पेरिफेरी में आपको अरेंज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल आपको सेंटर में भी आपको मिल जाते हैं, ओके? सच अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनियमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्ड टू एज अ 9+2 अरेंजमेंट। ये चीज हमने कल देखी थी। कोई मुझे बताएगा जो सेंटर में आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनको कौन कनेक्ट करके रख रहा है यहाँ पे? ब्रिज। ब्रिज, दैट इज गोइंग टू बी अ ब्रिज ओवर हियर, सेंट्रल ब्रिज, राइट? सो वी विल हैव अ सेंट्रल ब्रिज ओवर हियर, सो सेंट्रल ब्रिज आपका यहाँ पे कनेक्ट करता है मेरे दो सेंट्रल मेरे माइक्रोट्यूब्यूल्स को। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखेगा कि इसके आसपास आपको एक कवरिंग मिलती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल शीथ। यू फाइंड वन कवरिंग सराउंडिंग देम, यू कॉल देम एज अ सेंट्रल शीथ। तो ये भूलना मत, कई बार ये आपका आता है सेपरेटली क्वेश्चन के अंदर, सो
दैट इज वॉट यू गेट टू सी. हमने कल के क्लास में देख लिया था. बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्जेस फ्रॉम द सेंट्रियल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माय बेसल बॉडी. तो ये बात याद रखना, ये मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सेंट्रियोल्स जो आपके होते हैं, सेंट्रियोल्स आर गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज माय बेसल बॉडी. और इस बेसल बॉडी में से आपका बन के बाहर निकलेगा आपका फ्लैजेला या सीलिया. सो इसमें से ही आपका बेसिकली फ्लैजेला या सीलिया आपका बन के बाहर निकलता है. सो फ्रॉम दिस ओनली यू विल गेट टू हैव योर फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला विल बी सीन. तो ये बात आपको यहां पे रखनी है याद. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट. तो इतनी चीज थी हमारी यहाँ पे. अब बताओ वरुण, इसमें से क्या नहीं समझ आया बता दो. क्लियर, ठीक है. सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्वड इन द लास्ट क्लास. ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे. एक क्वेश्चन हमारा है जो हम बाद में कर लेंगे. वी विल डू इन द पोल फॉर दैट, ठीक है. नाउ लेट्स डू वन थिंग. अभी हमारा पेरोक्सिसोम और यूरोक्सिसोम जो आपके यहाँ पे है, यूरिकोसोम जो आपके यहाँ पे टर्म, इसको हम देखते हैं बाद में. बट उसके पहले आपको मैं आपको एक टर्म समझाना चाहूंगा. सो यू हैव अ टर्म जो है आपका यहाँ पे, वो है टर्म आपका यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम. सो एक टर्म है आपके सामने यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जैसे पॉलीटीन क्रोमोसोम. तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के लिए भी, और फ्यूचर में भी आपके सामने ये टर्म आ सकता है जब आप जेनेटिक्स को पढ़ रहे होंगे. तो ये टर्म को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसमें है क्या एंड व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर. तो इसकी स्टोरी हम चालू करेंगे हमारे एक इंसेक्ट से, और वो इंसेक्ट का नाम है मेरा यहाँ पे ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला को कॉमनली हम इवन कहते हैं एज अ फ्रूट फ्लाई. इसको हम इवन कहते हैं एज अ फ्रूट फ्लाई. आपका ये जो फ्रूट फ्लाई होता है बेसिकली, ये आपको पता है कहाँ मिलेगा? अगर समझो आपने केले ला के रखे हुए हैं दो चार दिन से, आपने उन्हें खाया नहीं, थोड़े वो लाइक सड़ने लगे या थोड़े गलने लगे, राइट. सो व्हाट विल हैपन ना, यू विल फाइंड उनके आसपास आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे. या केले ही नहीं, अगर आपको ये फ्रूट्स भी अगर ला के रखते हो थोड़े दिन वहां पर पड़े रहते हैं आपके वो फ्रूट्स, तो आप देखना फ्रूट्स के आसपास आपको काफी छोटे 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 आपको वहां पे इंसेक्ट उड़ते हुए आपको दिखेंगे, विच आर नॉट एक्चुअली अ फ्लाई. वो कोई मक्खी नहीं होता, काफी उससे काफी छोटे आपके इंसेक्ट आपको घूमते वहां पे आपको मिल जाएंगे. कभी अगर देखा नहीं है तो दो चार लाइक केले लो, उनको एक जार में रखो आप, थोड़ा मैश करके 7-8 दिन के बाद, इवन 4 दिन के बाद आपको उसके अंदर आपको फ्रूट फ्लाई आपको दिख जाएंगे. अभी जो फ्रूट फ्लाई होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका ड्रोसोफिला. मतलब बेसिकली इसका जीनस जो यहाँ पे होता है, दैट जीनस इज माय ड्रोसोफिला. अब ये करता क्या है, इसका हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? अब फ्रूट फ्लाई जो आपका यहाँ पे होगा ना, या जो ड्रोसोफिला आपका यहाँ पे जो फ्लाई है, दैट विल हैव अ लार्वा स्टेज. तो इसका होता है लार्वा. सो इट विल बी हैविंग इट्स लार्वा. तो इसका एक लार्वा होगा. सो एग में से जब बाहर निकलता है तो वहां पे एक लार्वा होता है. अब एक बात तो आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि अगर इसका खुद का लार्वा है, सो दैट मींस इसके अंदर आपका मेटामॉर्फोसिस होता होगा, ठीक है. अगर आपको यहाँ पे लार्वल स्टेज अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, देन व्हाट विल हैपन कि आपको यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा. यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हो सकता है. क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. अगर आपका फ्रूट फ्लाई का ड्रोसोफिला का अगर आपका लार्वा आपको दिखता है, सो दैट मींस इसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आएंगे, एंड देन इट विल बिकम अ फ्रूट फ्लाई जो आपको उड़ सकता है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, इफ यू ऑब्जर्व द लार्वा ओवर हियर, तो यहाँ पे पता है होता क्या है, लार्वा का जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, आप लार्वा को बाहर निकालो और उसका आप सलाइवरी ग्लैंड देखो, यू ऑब्जर्व द सलाइवरी ग्लैंड. अगर आप उसका सलाइवरी ग्लैंड अगर आप देखते हो, तो उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा सा क्रोमोसोम आपको मिलेगा. यू विल गेट टू सी अ प्रिंस ऑफ अ वेरी लार्ज क्रोमोसोम. एक बड़ा सा क्रोमोसोम आपको मिलता है उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर. सो लार्ज क्रोमोसोम इज बीन सीन इन द सलाइवरी ग्लैंड. तो जो बड़ा सा क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस क्रोमोसोम का नाम होता है यहाँ पे मेरा पॉलीटीन क्रोमोसोम. तो ये क्रोमोसोम अगर आपके सामने नाम आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग अ टर्म लाइक अ पॉलीटिन क्रोमोसोम, समझ जाओ कि ये क्रोमोसोम मुझे मिलेगा मेरे ड्रोसोफिला के मुंह के अंदर, या लार्वा जो आपका लार्वा होता है ड्रोसोफिला का, उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर मुझे मिलता है, देखेंगे मेरे यहाँ पे पॉलीटिन क्रोमोसोम. सो व्हेनेवर यू गेट इट लाइक बोलो बेटा, क्या आगे से रिपीट कर दोगे? नेटवर्क चला गया था.
पूर्वांशी या आप हैं? ओके इट्स समवन एल्स. ऑलराइट सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर नाउ. ओ समृद्धि. ओके सी लार्वा जब आपका होता है ना आपके ड्रोसोफिला का लार्वा का जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ना बेटा उसके अंदर आपको मिलेगा क्रोमोसोम. और जो क्रोमोसोम आपको उसके अंदर मिलता है उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीटिन क्रोमोसोम. सो याद रखना अगर आपको पॉलीटिन क्रोमोसोम देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ड्रोसोफिला को ग्रो करना पड़ेगा. और जैसे उनका लार्वा आपको दिखता है वो आपको दिख जाता है आंखों से, उस लार्वा को आप निकालिए और उसके सलाइवरी ग्लैंड को आप खींच के निकालिए. जैसे ही आप उसे सलाइवरी ग्लैंड को आप निकालते हो यू कैन सी योर पॉलीटिन क्रोमोसोम आपको उसके अंदर दिख जाएगा. ये एक्चुअली कराया जाता है एक्सपेरिमेंट आपके लैब के अंदर. सो अगर आपके स्कूल टीचर आपको अलाउ करते हैं या अगर आप उनसे बात कर सकते हो देन यू कैन ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व द पॉलीटिन क्रोमोसोम. ठीक है, पुनीत को अलाउ नहीं करते, वरुण को भी अलाउ नहीं करते हैं, ईश्वर को भी अलाउ नहीं करते, शशि को भी अलाउ नहीं करते. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. क्या कैसे चलेगा बेटा ऐसे फिर? सो दैट इज एंड हैपनिंग. वरुण का तो केस ही अलग है, उसका तो तीनों चीज इतनी है सर. इनके तो लैब ही एग्जिस्ट नहीं करता, टीचर एग्जिस्ट नहीं करता, सब लाइक एब्सेंट. ऑलराइट बट स्टिल याद रखना बाकी सब लोग यहाँ पे ध्यान से दैट दैट इज व्हाट गोइंग टू बी माय पॉलीटिन क्रोमोसोम ओवर हियर. ठीक है, तो याद रखना ये आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, इट विल सीन इन द लार्वा ऑफ द ड्रोसोफिला के अंदर आपको मिलेगा एंड दैट टू इन द सलाइवरी ग्लैंड. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये क्रोमोसोम करता क्या होगा, तो ये बात भी आप याद रखेंगे यहाँ पे कि जो मेरा पॉलीटिन क्रोमोसोम है दिस विल बी प्लेइंग द रोल इन माय मेटामॉर्फोसिस. सो ये आपका प्रमोट करता है मेटामॉर्फोसिस. सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू प्रमोट मेटामॉर्फोसिस. तो ये बात याद रखेंगे आप लोग किसका काम क्या होता है. तो बेसिकली आपका जो लार्वा है वो कन्वर्ट होगा आपके फ्रूट फ्लाई के अंदर और वो कन्वर्जन करने के लिए याद रखना आपके पॉलीटिन क्रोमोसोम की आपके यहाँ पे होती है जरूरत. तो बेसिकली यहाँ पे आपके जो भी प्रोटीन बनेंगे इसके अंदर से दे विल हेल्प टू प्रमोट द मेटामॉर्फोसिस और उसके वजह से ही आपका जो लार्वा है वो फ्रूट फ्लाई में आपके यहाँ पे कन्वर्ट हो पाएगा. सो ये बात आप सबको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द पॉलीटिन क्रोमोसोम. अब एक और बात याद रखना कि जैसे ही मेरा लार्वा फ्रूट फ्लाई बन गया, जैसे ही मेरा लार्वा एक बार ग्रो कर गया, बड़ा हो गया और मेरा ये फ्रूट फ्लाई बन गया, तो आपको उसके अंदर पॉलीटिन क्रोमोसोम देखने के लिए नहीं मिलेगा. फिर आपको उसके अंदर पॉलीटिन क्रोमोसोम देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अपना काम कर दिया. उसका काम क्या था, मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करना, वो उसने कर दिया. सो नाउ इट विल हैव नो रोल, इसलिए वो आपको देखने के लिए वहां पे नहीं मिलता. क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, और जो नए बच्चे हैं हमारी क्लास के अंदर राधिका रिधिमा, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यस सर. ठीक है बेटा रिधिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास में देखो कैसा है ना, लाइक क्लास का हमारा माहौल ऐसा है कि अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली आप बता सकते हो कि समझ नहीं आ रहा, तो हम उसे जनरली रिपीट कर देते हैं. ठीक है, ओके सर. समृद्धि इज एंड कनिका लाइक ओके, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. So and it's like very easy going mahol rehta hai generally class ka. So feel free to ask your questions, right? Aisa lag raha hai ki ye miss ho gaya, samajh nahi aaya to bata do. Agar aapko lagegi sir ki speed thodi zyada hai to bhi aap bata sakte ho ki sir thoda aap speed like apna kam kar lijiye. So that is also something you can tell me, right? Ye jo baki log hai inko to like ab ye log aadat hogi in logo ko. Right? After a matter of few days you will also get used to it, but initially agar aapko koi dikkat aa rahi then please let me know. ठीक है रिधिमा, आई विल क्लियर टू यू. यस सर. सो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी, दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद. ओके सो ये हो गया आपका मेरा पॉलीटिन क्रोमोसोम और यहाँ पे इसके रोल्स क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना होगा. सो दीज आर द रोल्स. एक ही रोल है आपको यहाँ पे, प्रमोट मेटामॉर्फोसिस. राइट, सो ये हो गया हमारा स्टोरी यहाँ पे खत्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय प्रोक्सिसोम्स. प्रोक्सिसोम्स या यूकोसोम्स जिन्हें हम बोलते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट देम. मैं इनका जिक्र यहाँ पे करूंगा अगली स्लाइड के ऊपर. राइट, एंड ऑल द गर्ल्स लाइक जो भी यहाँ पे है, जब भी कोई नया सुनाता है तो उसको कभी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज रीच आउट टू देम एंड डू हेल्प देम आउट. ठीक है, ऑल ऑफ यू, कनिका, अक्षरा, समृद्धि, अपूर्वा एंड ऑल ऑफ यू. यस सर, हमेशा कभी भी. Okay, so now, what will be happening here now? See.
प्रॉक्सीज जो बेटा आपके यहाँ पे होते हैं, इनका काम अगर मैं इनका डायरेक्टली एक रोल बताऊं यहाँ पे, सो याद रखना दीज आर द ऑर्गेनल्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फोटो रेस्पिरेशन. ये प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है आपका यहाँ पे जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फोटो रेस्पिरेशन. इसमें ये लोग इन्वॉल्व होते हैं. सो फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वहां पे आपके ये ऑर्गेनल्स आपके मेनली आपके इन्वॉल्व होते हुए आपको मिलेंगे. अब पेरोक्सिसोम अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये मुझे एनिमल सेल में मिलता है, तो आंसर इज येस. यू कैन फाइंड देम इन एनिमल सेल, यू कैन फाइंड देम इन प्लांट सेल एज वेल. तो ये भी बात याद रखना, पेरोक्सिसोम आपको एनिमल सेल में भी आपको मिलेंगे, यू विल फाइंड देम इन द एनिमल सेल एज वेल, एंड यू ऑल्सो फाइंड देम इन अ प्लांट सेल एज वेल. ठीक है. और जो प्लांट सेल होता है या प्लांट्स के अंदर एक आपका प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन. ये प्रोसेस क्या होता है वो आपको समझना नहीं है, बिकॉज ये आप समझोगे चैप्टर 13 के अंदर. अगर आपके स्कूल में आपने ये चैप्टर पढ़ चुके हो फोटोसिंथेसिस, तो आपने ये शायद पढ़ा होगा. सो इन दिस चैप्टर यू विल हैव दिस इवेंट ऑफ माय फोटो रेस्पिरेशन. और जब ये इवेंट होता है, जब ये प्रोसेस होता है, तो आपका पेरोक्सिसोम वहां पे होगा इन्वॉल्व. सो ये एक चीज आप याद रखना, ये फोटो रेस्पिरेशन टर्म प्लीज भूलना मत, ये की टर्म है. कई बार एग्जाम के अंदर ये टर्म आता है, तो प्लीज याद रखना ये जो प्रोसेस होगा इसके लिए आपका पेरोक्सिसोम आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. That's a one thing you have to know. क्या होता है उसके अंदर वो आपको नहीं जानना भी. It's a very separate process. So you can read that thing later. Now, after that you will find कि आपको जो peroxisome होता है, ये even आपकी मदद करता है to convert toxic things into a non-toxic form. ठीक है. तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये detoxification में भी आपकी मदद करता है. It also helps in detoxification. Helps in detoxification as well. तो आपके टॉक्सिक फॉर्म को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो भी आपका पेरोक्सिसोम आपका काफी अच्छे से आपका कर लेगा. सो ये भी याद रखना कि टॉक्सिक चीजों को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में ये कन्वर्ट करने में आपकी मदद करता है. अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा. आपके सेल के अंदर एक सब्सटेंस बनता है, कभी काफी बार बनता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, एंड दैट इज माई हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो जैसे आपके सेल के अंदर एक कंटेंट आपको बनाया जाता है H2O2, जिसे हम कहते हैं एज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये आपके सेल के अंदर बनाया जाएगा. ओके. अब जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके सेल के अंदर बनाया जाता है, तो इसको आप ज्यादा टाइम के लिए रख नहीं सकते, बिकॉज इट्स हार्मफुल. ये जनरली आपका हार्मफुल होता है. प्लांट्स के अंदर ज्यादा कॉमनली बनता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, एज कम्पेयर टू एनिमल्स. बट जब भी आपके बॉडी के अंदर बनेगा, इसको आप कन्वर्ट करते हो इनटू अ नॉन हार्मफुल थिंग्स लाइक H2 और O2 के अंदर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब ब्रेक डाउन करना होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब आप ब्रेक डाउन करते हो यहाँ पे, व्हेन यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए यू नीड अ एंजाइम. और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो आपके यहाँ पे एंजाइम होता है, उस एंजाइम का यहाँ पे नाम होता है आपके यहाँ पे कैटालेज. सो कैटालेज इज अ नेम ऑफ द एंजाइम. और ये आपका एंजाइम बेसिकली आपके यहाँ पे हेल्प करता है to convert my H2O2 into something else, into my non-toxic form, that is my H2 or O2 में वो convert कर देगा. तो आपको ये बात याद रखनी है कि catalase enzyme आपको कहाँ मिलेगा? It is always seen in the peroxisome. ये enzyme आपको हमेशा मिलता है peroxisome के अंदर. तो याद रखना catalase एक आपका enzyme है जो आपको peroxisome के अंदर मिलेगा, और इसका काम होता है आपके H2O2 को convert करना into the non-toxic form or your much more usable form like my H2O or O2. उसमें वो से हमें convert करके यहाँ पे देगा. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर. तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि कैटालेज एंजाइम आपको मिलता कहाँ पे, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे पेरोक्सिसोम्स. सो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखेंगे. इसके बाद जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज गोइंग टू बी, आपने फायरफ्लाइज देखे होंगे अपने लाइफ में कभी ना कभी. नहीं देखी तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में आप देख लोगे. फायरफ्लाइज बेटा होती है जिन्हें हम हिंदी में जुगनू कहते हैं. तो उनके अंदर भी जो लाइट जनरेट हो रही होती है ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन से हो रही होती है. वो आपका पेरोक्सिसोम के थ्रू ही होता है. सो इसके अंदर भी जो आपकी जो लाइट आपकी इमर्ज हो रही होती है, फायरफ्लाइज के अंदर जो भी आपकी लाइट इमर्ज हो रही होती है, राइट, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग ओवर देयर. सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर पेरोक्सिसोम. सो पेरोक्सिसोम में वो रिएक्शन हो रहा था जिसके वजह से आपके यहाँ पे लाइट जनरेट हो रही होती है. तो एक ही ऐसी चीज है जो आपने देखी होगी शायद से. मैंने तो हिमाचल में आई थिंक, मुझे याद नहीं, आई हैवंट सीन दैट any kind of fireflies, but आपने I hope देखी होगी. So that is, हाँ वरुण ने देखी है. कौन से एरिया में देखी है, कौन से एरिया से है बेटा आप? सर मंडी साइड में देखी है.
रामपुर साइड, कुल्लू साइड। ओके, सिरमौर में, सिरमौर में क्या नहीं है? सिरमौर में सब कुछ दिखता है। ऑलराइट, सो यस, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, एट लीस्ट आई हैवंट सीन, सो यस यू विल गेट टू सी ऑल ऑफ देम इन द, या इन द रूरल एरिया और फॉरेस्टेड एरिया। तो इतनी बात आपने रखनी है यहाँ पे याद, पैरोक्सिज्म की जब भी नाम आपके सामने आएगा याद रखना ये एनिमल सेल प्लांट सेल में आपको दोनों में मिलेगा। इसका काम होता है फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे, इट विल बी यूजफुल, ठीक है, इन द प्लांट्स। उसके साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प इन द डीटॉक्सिफिकेशन, कई बार आपके टॉक्सिक चीजों को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करके आपको देगा। एंड एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा एंजाइम, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आपको इसके अंदर मिलता है, दैट इज माई कैटालेज। सो कैटालेज वो एंजाइम है जो आपको मिलता है पेरोक्सिसोम के अंदर, जो आपके H2O2 को कन्वर्ट करता है इनटू द नॉन टॉक्सिक कंटेंट लाइक माय H2O और O2। तो इतनी बात आपने यहाँ पे रखनी याद इन टर्म्स ऑफ माय पेरोक्सिसोम्स। दे आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन प्लांट्स पेरोक्सिसोम अकर इन द सेल्स ऑफ अ ग्रीन टिश्यू एंड कंसर्न विद फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ ग्लाइकोलेट पाथवे। आप में से कोई है जिसका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है? एनी वन ऑफ यू? अरे वेरी गुड, राइट वरुण, चलेगा, पता चल गया एक बार में, ठीक है। सपूर्वा एंड अदर पीपल हैव, ओके वेरी गुड। सपूर्वा यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस ना, फोटो रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा ना ये बात? यस सर। डोंट वरी, आई एम नॉट आस्किंग फोटो रेस्पिरेशन राइट नाउ कि बताओ क्या है, बट यस दैट इज वेयर यू विल गेट टू सी दिस टर्म। एंड याद रखना ये करने के लिए यू नीड टू हैव पेरोक्सिसोम्स। देन द अदर टर्म हियर इज नोन एज ग्लायोक्सिसोम्स। ग्लाइक्सोसोम्स बेटा यहाँ पे जो होते हैं याद रखना, यू विल फाइंड देम ओनली इन द प्लांट्स। ये आपको सिर्फ प्लांट्स में देखने के लिए आपको मिलेंगे, सो यू विल ऑलवेज फाइंड देम इन द प्लांट्स ओनली, ग्लाइक्सोसोम्स। ग्लाइक्सोसोम्स अकर ओनली इन द प्लांट, स्पेशली इन द फैटी सीड्स। सो आपके कुछ यहाँ पे प्लांट के एग्जाम्पल है, जैसे आपका कैस्टर वाला प्लांट हो गया, राइट, या ग्राउंड नट वाला प्लांट हो गया, तो इनके सीड के अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे ग्लाइक्सोसोम्स। सो इनके जो सीड्स होते हैं उसके अंदर आपको ग्लाइक्सोसोम काफी अच्छे से आपको मिल जाता है। अब ये फैटी सीड में आपको क्यों मिलता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये कि यार ये मेरा जो ग्लायोक्सिसोम्स है ये मुझे प्लांट्स में तो मिल रहा है, बट व्हाई आई एम ओनली फाइंडिंग देम इन द फैटी सीड्स, ये मुझे सारे उन प्लांट्स में क्यों मिल रहा है जिसके अंदर आपका फैट कंटेंट होता है। फैटी सीड्स मतलब, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फैट है, इट मीन्स इसके अंदर फैट का कंटेंट है, ऑयल का कंटेंट है। अगर आपको याद हो तो कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल हम लोग यूज करते हैं, बनाते हैं, राइट, ये आपने नाम इवन सुना होगा जब हम पढ़े थे फेबियसी फैमिली, ठीक है। सो यू मेक ऑयल आउट ऑफ देम। सो याद रखना इसमें जो ऑयल का कंटेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्लायोक्सिसोम्स। ग्लायोक्सिसोम्स के अंदर क्या होता है ना, दे आर नोन फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ माई फैट्स। बस ये एक टर्म याद रखना, दे आर नोन फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बेसिकली ग्लायोक्सिसोम मेरी मदद करता है, जो फैट कंटेंट होता है ना मेरे सीड के अंदर उसे ब्रेक डाउन करने में वो मेरी मदद करेगा। सो ग्लायोक्सिसोम बेसिकली हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फैट कंटेंट और लिपिड कंटेंट और ऑयल कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर सीड, ताकि उसको ब्रेक डाउन करके हम उसमें से एनर्जी जनरेट करके प्लांट को ग्रो करा सके। सो दैट इज समथिंग दे विल बी डूइंग ओवर हियर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपके सामने ग्लायोक्सिसोम आएगा टर्म, तो सबसे पहले याद रखना कि ये मुझे सिर्फ मिलता है मेरे प्लांट्स के अंदर। That is something you will get to see in the plants only. पहली चीज, right? Second चीज, वो भी आपको कुछ specific plants में आपको मिलेगा ये देखने के लिए, जैसे castor हो गया, groundnut हो गया, इन plants के seed के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे glyoxysomes, and over there they are known for beta oxidation of my fats. So basically ये लोग fats को break down करते हैं ताकि उसमें से जो energy generate हो उसको use करके आप plant के लिए, plant के nourishment के लिए आप उसे use कर सकें। So these are the two things which you all have to remember over here. क्या आपको ये वाली बात यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बच्चे किशोर, अभिषेक, साहिल, सचिन, अभिनव एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स एंड हिम्मत सिंह, राइट, आई इट्स क्लियर टू यू एज़ वेल? कुछ भी रहेगा तो प्लीज बता दें, बिकॉज पेरोक्सिसोम ज्यादा वेल नोन टर्म नहीं है, राइट, ये आपने शायद स्कूल लोअर क्लास में आपने नहीं पढ़ा होगा, so that's why ये terms आपके लिए थोड़े से नए हो सकते हैं, but yeah, please make sure that you remember all of them. That is something we have done. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, there is something known as your, मैंने आपको एक चीज already पहले आपको एक चीज समझाई थी, so उसी context में आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। See, we have a term like your polyploidy.
एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास लाइक कितने क्रोमोसोम होते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी हैव एज अ ह्यूमन बीइंग। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स राइट। अब जब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है आपके पास यहाँ पे, सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, सो बेसिकली होता क्या है कि यू हैव अ क्रोमोसोम नंबर वन और उसका एक और कॉपी आपके पास होगा, क्रोमोसोम नंबर टू उसका एक और कॉपी आपके पास होगा, तो ऐसे करके यू विल हैव द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे कर करके आपके पास होते हैं टोटल 23 पेयर आपके पास होते हैं राइट। अब क्योंकि आपके पास हर एक का दो कॉपी है, हर एक क्रोमोसोम के आपके पास दो कॉपी आपके पास यहाँ पे, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड। इसलिए हम लोगों को कहा जाता है एज अ डिप्लॉयड एनिमल, सो वी आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, वी आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर। ओके, तो ये बात याद रखना कि हम सब यहाँ पे होते हैं डिप्लॉयड। अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि डिप्लॉयड नेचर, डिप्लॉयड कंडीशन आपके नेचर में बड़ी कॉमन है। ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लाइक मेजोरिटी ऑफ द आर डिप्लॉयड, बट आपको कई बार एक्सेप्शन भी आपको मिलता है देखने के लिए। अगर आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपके पास है क्रोमोसोम नंबर वन राइट, उसकी आपके पास एक और कॉपी है और उसके बाद आपके पास उसकी एक और कॉपी है, तो ये डिप्लॉयड कंडीशन नहीं होगी। दिस कंडीशन ओवर हियर बिकम्स योर ट्रिप्लॉयड। ये कंडीशन मेरी यहाँ पे हो गई है ट्रिप्लॉयड। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि कोई एनिमल या प्लांट ट्रिप्लॉयड है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको तीन तीन कॉपी मिल रही है वहां पे क्रोमोसोम की, दो नहीं मिल रही, दो हमारे अंदर होती है, वहां पे आपको तीन तीन कॉपी मिल रही है। सो व्हाट यू गेट टू सी, यू विल हैव अ थ्री थ्री क्रोमोसोम, तीन तीन के सेट होते हैं वहां पे। तो क्रोमोसोम अगर वन के तीन है तो टू के भी तीन ही होंगे राइट। तो ये कंडीशन आपको मिलती है देखने के लिए। तो अगर आपको दो से ज्यादा अगर आपको क्रोमोसोम सेट मिलते हैं, अगर आपको दो से ज्यादा अगर आपको क्रोमोसोम सेट मिलते हैं, सो इफ यू गेट मोर देन टू क्रोमोसोम इन अ सेट, देन याद रखना आपने उस कंडीशन को बोलना है यहाँ पे एज अ पॉलीप्लॉइडी, देन यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ पॉलीप्लॉइडी। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी है कि समझो एक एनिमल को आपने देखा, उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि क्रोमोसोम वन जो है आपके वहां पे उसके आपको चार कॉपी आपको दिख रही है, तो आप क्या नाम दे सकते हो वहां पे, व्हाट यू कैन से ओवर हियर? आप एक कलेक्टिवली वहां पे एक नाम लगा सकते हो, दैट इज माय पॉलीप्लॉइडी, यू कैन कॉल देम एज अ पॉलीप्लॉइडी। बट एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन देन यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ टेट्राप्लॉइड भी आप इसे कह सकते हो। तीन होते तो ट्रिप्लॉइड, अगर चार है तो आई कैन यूज अ टर्म लाइक माय टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। अब एक चीज आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लीजिए कि चाहे ट्रिप्लॉइड हो या टेट्राप्लॉइड हो, आप एक कॉमन टर्म बोल सकते हो कि यार इसमें मुझे पॉलीप्लॉइडी देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल रही है। यू विल वेरी कॉमनली वेरी सिंपली से कि यार मुझे इसमें जो मिल रहा है देखने के लिए दैट इज माय पॉलीप्लॉइडी। अगर दो नंबर टू एन से ज्यादा है, अगर टू एन से ज्यादा है देन यू विल कॉल इट अ पॉलीप्लॉइडी। अगर टू एन है तो आप उसे पॉलीप्लॉइडी नहीं कहते, हम लोग पॉलीप्लॉइड नहीं है। मगर टू एन से अगर आपको ज्यादा मिल रहा है, चाहे वो थ्री एन हो, फोर एन हो, फाइव एन हो, सिक्स एन हो, सेवन एन हो, दैट कैन बी कॉल्ड एज माय पॉलीप्लॉइडी। अब बताओ कि या क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बताइए, क्या कौन सा पार्ट समझ नहीं आ रहा बता दो। ठीक है, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे लाइक बेसिकली यहाँ पे आपका क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार मुझे पॉलीप्लॉइडी कहाँ मिलेगी देखने के लिए, वेयर आई विल गेट टू सी द पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। तो याद रखना you can always find a polyploidy happening in the plants. Plants के अंदर ये आपको काफी clearly देखने के लिए आपको मिलता है. So please know this thing that this is not something you find in the animals. Polyploidy is something you will see in the plants. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इवन बताया था कि आपके एक प्लांट होता है, यू हैव दिस वन प्लांट दैट इज गोइंग टू बी योर वीट, जो वीट का जो आपका प्लांट होता है वो बेसिकली आपका होता है सिक्स एन हेक्साप्लाइड होता है, जो आप कमर्शियल जो वीट आप कंज्यूम करते हो ना
वो आपका होता है 6n, सो दैट इज गोइंग टू बी अ हेक्साप्लॉइड। और एक और बात याद रखना कि पॉलीप्लॉइडिक कंडीशन एज अ एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट मैं चाहूंगा ये करना, मैं चाहूंगा कि मेरे जो प्लांट्स हो दे विल बी माय पॉलीप्लॉइड प्लांट। अब मैं ये क्यों चाहूंगा, क्योंकि जितने मेरे पॉलीप्लॉइड प्लांट्स होंगे उतना उनका बायोमास ज्यादा होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना बड़ा उसका होगा प्लांट का सेल, और जितना बड़ा सेल होगा उतना ही ज्यादा उसका होता है बायोमास। तो एज अ बायोलॉजिस्ट मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे जो कमर्शियल प्लांट हो, चाहे वो वीट का हो, मेज का हो, राजमा का हो, बाजरा का हो, या कोई भी मेरा प्लांट हो, आई वॉन्ट टू हैव मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देम। ज्यादा क्रोमोसोम मतलब आई विल गेट टू सी मोर अमाउंट ऑफ बायोमास फ्रॉम देम। सो वो कमर्शियली उसका बड़ा फायदा होता है, फार्मर को भी फायदा होता है और ओवरऑल सोसाइटी को भी उसका बड़ा फायदा होता है। तो ये बात भी याद रखना कि पॉलीप्लॉइडी इज समथिंग यू विल फाइंड इन द प्लांट्स वेरी कॉमनली, और इसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं इस कंडीशन को, बिकॉज प्लांट्स में आपको मिलता है देखने के लिए, तो हम लोग इसे एक्सप्लॉइट करते हैं और हम चाहते हैं कि आपके ऐसे कमर्शियल प्लांट्स बने जिसके अंदर आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिले, बिकॉज उसका ओवरऑल आपको कमर्शियल बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इसका एडवांटेज क्या है? तो याद रखना पॉलीप्लॉइडी की यहाँ पे एडवांटेज यहाँ पे क्या होता है, सो प्लीज मेक श्योर रिमेम्बर दैट थिंग, इसका एडवांटेज कहाँ पे हो रहा है और ये कंडीशन क्या होती है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अगर हमारे सेल में अगर पॉलीप्लॉइडी आती है या हो जाती है देन दैट्स नॉट गुड फॉर अस बाय एनी मींस। अगर आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से अगर एक दो एक्स्ट्रा लग गए ना या एक निकल गया देन दैट विल लीड टू अ जेनेटिक डिफॉर्मिटी। अगर ऐसा कभी होता है जनरली यू विल हैव द जेनेटिक डिफॉर्मिटी और उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये बात भी याद रखना कि ये आपको प्लांट से मिल रहा है, दे कैन सर्वाइव, दे कैन लिव, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर ऐसा कोई चीज अगर आपको एनिमल सेल में आपको मिलती है देन दैट इज अ जेनेटिक डिफॉर्मिटी और उसके कोई अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, राइट? यू विल ऑलवेज हैव अ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी अगर ऐसा कुछ होता है तो। सो ये बात भी याद रखना, और ऐसा होता है, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग। मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दू, इफ आई टेल यू, इफ आई गिव यू वन एग्जाम्पल, एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, एक कंडीशन होता है जिसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। कभी अगर आप नेट पे सर्च करोगे देन यू विल गेट टू सी द पीपल सफरिंग विद डाउन सिंड्रोम, ठीक है? सो जब किसी को डाउन सिंड्रोम होता है ना वहां पे, सो व्हाट विल हैपन ना कि इनका जो 21st क्रोमोसोम होता है उसमें आपको ट्रायसोमी मिलती है। सो यू हैव अ ट्रायसोमी, ट्रायसोमी इन 21st क्रोमोसोम, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? ये ह्यूमंस में मिलता है देखने के लिए, सो इसका मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो 21st क्रोमोसोम है आपके यहाँ पे वो दो नहीं है, तीन है। सो तीन कॉपी आपके यहाँ पे लग रही है, सो जनरली आपके पास दो ही होते हैं, बट ओवर हियर इट इज गोइंग टू बी थ्री। अगर ऐसी कंडीशन दिखती है सेल के अंदर देन दैट इज समथिंग विच इज नॉट गुड बाय एनी मीन्स, एंड दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग विद अ डाउन सिंड्रोम एंड सच पीपल आर गोइंग टू बी स्टराइल, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? एंड दे विल हैव नंबर ऑफ अदर इश्यूज विल बी दे विल बी फेसिंग ओवर हियर, राइट? सो यार रखना, अगर ऐसा कभी ह्यूमंस के अंदर होता है, एनिमल सेल में होता है, देन दैट्स नॉट गुड, इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ जेनेटिक कंडीशन। ये आपकी एक जेनेटिक कंडीशन है यहाँ पे, राइट? क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes. अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो कि क्या नहीं आ रहा, ठीक है? अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आती देन प्लीज गो एंड आस्क मी दैट कि कौन सा चीज यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा। दिस इज अ जेनेटिक, ये मैं आपके ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, दिस इज अ जेनेटिक कंडीशन, ओके? तो ये इतना याद रखना आप लोग। अभी मैं क्रोमोसोम के बारे में इतना यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगला जो आपका चैप्टर हम करेंगे उसके अंदर हम क्रोमोसोम की बात करेंगे डिटेल में, बिकॉज वी विल स्टार्ट विद द माइटोसिस मियोसिस वाला चैप्टर एंड देयर वी विल बी डिस्कसिंग देम इन डिटेल, राइट? वी विल टॉक अबाउट क्रोमोसोम्स थ्रू आउट द नेक्स्ट 4 to 5 लेक्चर्स, तो इसलिए याद रखना ये सब चीजों के बारे में कि अगर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होता है देन दैट्स नॉट गुड फॉर यू बाय एनी मीन्स, वो किसी तरीके से भी हेल्पफुल नहीं होता हमारे लिए, बट फॉर प्लांट्स Surely I can say that is going to be super useful. Just wait a minute. That is going to be super useful. Okay. चलिए अभी काम करते हैं, दो चार क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। Let's try to see if you are able to solve them. आपको hand raise करना पड़ेगा इसका आंसर देने के लिए। So इसको क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे। Which of the following is not true of the eukaryotic cell? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है इन टर्म्स ऑफ माई यूकैरियोटिक सेल? आपको आपका हैंड रेज करना पड़ेगा यहाँ पे। So you have to raise your hand. So, फिलहाल पुनित ने यहाँ पे हैंड रेस किया है। पुनित बताइए क्या आंसर लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ए।
पुनित यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन ए। किशोर आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ओके एंड देन आयुषी आपको? सर ए। आयुषी आपको ऑप्शन ए यहाँ पे क्यों लग रहा है, क्या रीजन है आपके ऑप्शन ए को सिलेक्ट करने का? बेटा वापस बोलेगा, आपकी आवाज कट गई। राइट, पेप्टिडोग्लाइकन्स मुझे मिलेगा हमेशा देखने के लिए मेरे आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर। दिस इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो यस, ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे होता है गलत, दैट इज सीन इन माई बैक्टीरियल सेल वॉल, और इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा गलत, एंड दैट इज वाई ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्होंने ये बोला है ना आपको कि आप बताओ कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इट्स नॉट ट्रू फॉर द यूकेरियोटिक सेल। सो यस, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे होने का करेक्ट आंसर, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय पेप्टिडोग्लाइकन्स, दैट इज नॉट ट्रू। राइट, आपके यूकेरियोट्स में आपको ये नहीं मिलता, ये आपको सिर्फ मिलेगा आपके बैक्टीरिया के अंदर। सो दैट इज वाई ए विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। देन यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 42। अब ये बात आप शायद जानते नहीं होंगे यहाँ पे, लेट मी टेल यू दिस, कि आपका एक वाटर सोल्युबल पिगमेंट होता है एंड उस पिगमेंट का नाम आपका यहाँ पे होता है एंथोसायनिन। सो एंथोसायनिन इज माय वाटर सोल्युबल पिगमेंट, दिस इज गोइंग टू बी योर वाटर सोल्युबल पिगमेंट। अब ये जो आपका एंथोसायनिन यहाँ पे है वाटर सोल्युबल पिगमेंट, ये आपको मिलेगा वैक्यूल के अंदर, दिस इज जनरली केप्ट इन द वैक्यूल, ये आप रखते हो आपके वैक्यूल के अंदर, तो ये बात आप हमेशा रखना, दिस पिगमेंट इज बीन केप्ट इनसाइड द वैक्यूल्स। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपने बीटरूट खाया होगा तो बीटरूट का जो रेड कलर आ रहा होता है ना, वो एंथोसायनिन की वजह से आ रहा होता है। सो बीटरूट का अगर जो रेड कलर आता है, एकदम जो ब्लड रेड जो आपका कलर आ रहा होता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एंथोसायनिन। सो एंथोसायनिन इज समथिंग जो आपको मिलता है वैक्यूल के अंदर, एंड इट इज माय वाटर सोल्युबल पिगमेंट। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि यार वैक्यूल में कौन सा पिगमेंट मिलता है, आप बंद करके कह सकते हो दैट इट इज गोइंग टू बी माय एंथोसायनिन। तो ये नाम आप याद रखना, दैट दिस इज अ पिगमेंट व्हिच आई विल फाइंड इन द वैक्यूल्स, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड हैव देयर पोलर हेड फेसिंग, आपके जो लिपिड होते हैं उनके पोलर हेड किस साइड पे फेस कर होते हैं, आपने अपना यहाँ पे हैंड रेज करना है। सो दो हैंड यहाँ पे रेज हो चुके, बाकी लोग भी पढ़ के हैंड रेज करिए, क्या आंसर हो सकता है। ओके बताइए अभिनव। अभिनव ने हैंड नीचे कर लिया। आकृति बताइए। सर ऑप्शन ए। अच्छा अभिनव ऑप्शन ए कह रहे हैं। आकृति आप बताइए आपको क्या लग रहा है? माइक ऑन करने में काफी टाइम लग जाता है। बताइए वरुण। सर इसमें ऑप्शन ए। किशोर क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए। किशोर मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हो इसके अंदर ऑप्शन ए है, तो बेसिकली आप यहाँ पे कह रहे हो कि आपका जो पोलर हेड आपका यहाँ पे होता है वो आउटसाइड में आपका यहाँ पे फेस कर रहा है। मुझे ये बताइए किशोर कि आपका जो हेड यहाँ पे है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है हाइड्रोफोबिक होता है? सर हाइड्रोफोबिक। सर हाइड्रोफिलिक। राइट, दिस इज माय हाइड्रोफिलिक, ये मेरा हाइड्रोफिलिक यहाँ पे होगा। तो हाइड्रोफोबिक क्या होगा किशोर फिर यहाँ पे? सर इनर साइड। टेल 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 पार्ट इज माय हाइड्रोफोबिक, मेरा यहाँ पे होगा मेरा हाइड्रोफोबिक, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मुझे फटाफट आप बताइए जिन्होंने हैंड रेज किया वो लोग मुझे आंसर करेंगे यहाँ पे। मुझे बताइए आपके मेम्ब्रेन के अंदर यू हैव योर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन आपको मिल जाएगा। सो मुझे बताइए नाउ अपूर्व आप बताइए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का काम क्या होता है? सो सेल रिकॉग्नाइजेशन करना एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन पे। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। अक्षरा बताइए, अक्षरा ने हाथ नीचे कर लिया। अक्षरा बताइए कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है मेम्ब्रेन के अंदर? सर प्रोवाइड स्टिफनेस टू मेम्ब्रेन। उससे क्या होता है? अक्षरा क्यों जरूरत है स्टिफनेस की? व्हाई यू नीड टू हैव अ स्टिफनेस इन द मेम्ब्रेन? सर नहीं पता। नहीं पता कोई बात नहीं, बताइए वरुण क्यों स्टिफनेस की यहाँ पे जरूरत होती है? सर उसको सर थोड़ा ढंग से नहीं पता था। नहीं, see there are two things, नहीं पता पता है। ठीक है, अपूर्वा बताएंगी, बोलिए अपूर्वा। सर अगर सेल मेम्ब्रेन में स्टिफनेस होगी तो सेल ऑर्गेनेल्स में वो अच्छे से ट्रांसफर
और एक सुनिए मेरी बात, देखिए आपको इतनी बात यहाँ पे मालूम है कि आपकी जो मेम्ब्रेन होती है इट इज हैज अ फ्लूइड नेचर, इतनी बात आप लोगों ने पढ़ी थी, इतनी बात आपने को मैंने बताई भी थी, इट हैज अ फ्लूइड नेचर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ लाइक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका बना के हमने लाइक दिया था आपके सिंगर एंड निकोलसन ने। सो फ्लूइड नेचर आपके मेम्ब्रेन का होता है। अब क्योंकि आपके मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है, आप ज्यादा फ्लूडिटी आप नहीं चाहते हैं, आप हद से ज्यादा फ्लूडिटी आप वहां पे नहीं चाहते हैं, और क्योंकि आप हद से ज्यादा फ्लूडिटी आप वहां पे नहीं चाहते तो आप क्या करते हो, इसलिए आप वहां पे कोलेस्ट्रॉल लगाते हो। तो ये बात याद रखना कि कोलेस्ट्रॉल लगाने का रीजन यहाँ पे होता है ताकि आपकी फ्लूडिटी का एक लाइक लेवल मेंटेन रहे। अगर हद से ज्यादा अगर वो फ्लूडिटी वहां पे अगर आपकी हो जाती है देन दैट्स नॉट गुड फॉर यू, दैट्स नॉट गुड फॉर अ मेमोरी। तो याद रखना फ्लूडिटी को मेंटेन करने के लिए आप वहां पे कोलेस्ट्रॉल लगाते हो एंड दे प्रोवाइड यू द स्टिफनेस, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द स्टिफनेस सो दैट योर फ्लूडिटी इज बीन मेंटेन्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, राइट? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 109 का आपको हैंड रेस करना पड़ेगा। RER इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, को हम उसका नाम देते बिकॉज इसमें क्या होता है, आप करेंगे यहाँ पे हैंड रेस, और आई एम होपिंग कि कुछ नए बच्चे यहाँ पे हैंड रेस करें। सो हिम्मत सिंह बताइए। बोलिए हिम्मत सिंह की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। अंशिका बताइए। सर ऑप्शन सी। हिम्मत सिंह की आवाज हमारे तक पहुंच चुकी है, अंशिका की आवाज भी पहुंच चुकी है, एंड ऑप्शन अंशिका भी ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहे हैं। हिम्मत सिंह मुझे बताइए आरईआर का रोल क्या होता है, एक रोल बताइए मुझे, एक रोल। फॉलो अप क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिए आप लोग। पीयूष भारद्वाज बताइए आरईआर का रोल क्या होता है। सर प्रोटीन फोल्डिंग। एक बता दिया इन्होंने, एक बोला यहाँ पे आपका प्रोटीन फोल्डिंग। अंजू आप बताइए और एक रोल बताइए आप। ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन, ग्लाइकोसिलेशन आपने बता दिया, ठीक है। वरुण कुमार बताइए आप एक रोल बताइए। व्हाट इज द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? तो ये मेरे यहाँ पे रोल होते हैं मेरे आरईआर के, बिल्कुल सी बात है। दीज आर द रोल्स आई विल बी कैरिंग आउट बाय माय आरईआर, सो दीज आर द रोल्स आई विल गेट टू सी। आरईआर को आरईआर बोला इससे ज्यादा बिकॉज उसके ऊपर लगे होंगे यहाँ पे राइबोसोम्स। अब मुझे आप बताइए कि आरईआर पे जो राइबोसोम लगे हुए हैं वो कौन से वाले, 70S या 80S है, हैंड रेज करके आप बताएंगे मुझे। एक काम करिए अक्षर आप बताइए कैसे होंगे यहाँ पे राइबोसोम, 70S या 80S? सर 70S। ओके 70S, ठीक है। पुनीत आपको क्या लग रहा है? सर 80S। 80S लग रहा है पुनीत को, ठीक है। अच्छा मैं याद रखना बेटा 70S राइबोसोम्स जो आपके होते हैं ना, 70S राइबोसोम्स आपके यू कैरियोट्स के अंदर आपको सिर्फ दो जगह पे आपको मिलेंगे। 70S राइबोसोम्स आपको दो जगह पे आपको मिलते हैं, याद रखना, दे आर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो यहाँ पे आपको मिलेंगे और दूसरे आपको मिलेंगे इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो ये बात भूलना मत कि ये दो लोकेशन पे ही आपको मिलते हैं आपके 70S राइबोसोम्स, बाकी जितने भी आपके राइबोसोम्स होते हैं ना आपके सेल के अंदर इन द यूकैरियोट्स दे आर गोइंग टू बी ऑफ माय 80S। तो यहाँ पे भी जो लगे हुए आपको मिलेंगे दे आर माय 80S राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना सब लोग। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स। व्हिच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गॉल्गी एपरेटस, कौन सा स्ट्रक्चर पैकेजिंग करके आप बनाते हो गॉल्गी के अंदर, हैंड रेज करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर मुझे देंगे यहाँ पे किशोर सोनी, बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर। किशोर सोनी सोच रहे हैं, तब तक समृति वर्मा बताइए आप क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। आवाज कट गई बेटा, वापस बोलना पड़ेगा और क्लियरली बोलिए, एकदम क्लियरली, क्या है बताइए। आवाज कट गई बेटा, आपकी आवाज कट गई। सृजन बताइए, सृजन क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। Region is like suddenly he has just joined the class and is getting the question. बताइए समृति क्या होगा इसका आंसर। समृति अब आपको बताना पड़ेगा लाइसोसोम्स के चार टाइप्स आपको बताने पड़ेंगे, बोलिए। चालू हो जाइए, चलिए बताइए। You have to prepare for the follow-up question as well. बताइए कनिका, बताइए जल्दी बताइए कनिका। सब प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, फाइटोफेजिक एंड रेसिडुअल। वेरी गुड, यू हैव अ प्राइमरी, सेकेंडरी,
ऑटोफेजिक एंड रेसिडुअल, ये आपके होते हैं चार लाइसोसोम्स। अब कनिका मुझे ये भी बता दीजिए कि लाइसोसोम के अंदर आपका पीएच आपको कितना मेंटेन रखना होता है हमेशा? सर 4 to 5। राइट, और अगर मैंने ये पीएच मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा फिर? या ये पीएच मेंटेन करेगी नेसेसरी क्यों है, लाइक व्हाई यू हैव टू मेंटेन द पीएच, ये इसका आप आंसर बताइए। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ से आएगा। सेंट्रोसोम्स आपने देखे हैं, मतलब मैंने आपको एक बना के दिखा था सेंट्रोसोम, ठीक है। इसके अंदर आपके होते हैं सेंट्रियोल्स, जो आपके ऐसे परपेंडिकुलर लगे होते हैं दो सेंट्रियोल्स। ये जो बाजू की जो स्पेस होता है ना, बाजू का जो स्पेस होता है बीच में, ये आप द स्पेस ओवर हियर, अरे You have a space यहाँ पे। ये जो स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ मिलता है, या ये जो स्पेस मेरी यहाँ पे होती है, ये स्पेस का नाम क्या होता है? What this space is called as? कौन बताएगा इसका आंसर? बताइए कनी, नहीं अंजू आप बताइए। This space is called as what? Sir, pericentral material. Right. वापस बोलेगा, एक बार फिर बोलेगा, pericentralar material. Right. Pericentralar material is something I'll be calling it as a. So, यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे pericentralar material. और material ये आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। Right. बिल्कुल सही, right answer है ये। Okay, एक और question यहाँ पे देखते हैं। What is true about ribosomes? ध्यान से देखिए question को and then raise your hand. Please have a look at this question thoroughly and then raise your hand. What is true about ribosomes? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ribosomes के लिए आपके यहाँ पे सही है? All right, बताइए वरुण। सिर्फ ऑप्शन ए। All right, और ऑप्शन है आप यहाँ पर। अंशिका आप बताइए जल्दी। ए कैसे हुआ आपका ऑप्शन यहाँ पे सही? क्या लिखा है यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एटीएस, एटीएस लिखा हुआ ना यहाँ पे, एटीएस होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। सेवेंटीएस होते हैं ना यहाँ पे, तो आपके ये आंसर नहीं आ सकता कभी भी, ऑप्शन है तो कभी भी आपका नहीं हो सकता। समृद्धि बताइए। They are self splicing introns of some RNAs. नहीं बेटा ये नहीं है, that is not the right answer. So, दो हड्डियां आपके यहाँ पे हैं। आपने तो बताने ही नहीं है, आपने बताने नहीं है क्या? अच्छा ये आप ऐसा करोगे, राइबोसोम सिर्फ आपको मिलते हैं यूकेरियोट्स के अंदर, क्यों बैक्टीरिया में नहीं मिलते राइबोसोम? अब रही क्या, ऑप्शन बी ही आपके यहाँ पे रह गया, सब तो हमने फिल कर दिया। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ आप इस बात को देखो। They are composed of ribonucleic acid and proteins. अब ribonucleic acid मतलब आपका हो गया RNA. तो that is इसका full form होता है आपका ribonucleic acid. ठीक है? So RNA plus protein आप जानते हो that makes up the ribosome. इससे ही आपका ribosome बना है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था ribosome बनाने के लिए आपके ingredients क्या लगते हैं? You need to have a rRNA. प्रोटीन, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी आपके यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। आई होप ये आंसर सबको यहाँ पे समझ आ रहे कि कौन सा करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, टेक योर टाइम, टेक योर वन मिनट, रीड दिस क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, ध्यान से देखिए इसे एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। पुनीत का हैंड यहाँ पे रेज हो चुका है, पुनीत बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आंसर? सर डी। पुनीत यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन डी, ठीक है बाकी लोग भी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। बताइए किशोर, किशोर ने हैंड रेज नहीं किया। समृद्धि बताइए। सर ऑप्शन नंबर डी। समृद्धि आप ऑप्शन डी क्यों कह रहे हैं, व्हाई यू आर सेइंग दैट? क्योंकि सर नॉस्टेक है एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में होती है मेम्ब्रेन बाउंड और नीलीज एब्सेंट। वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
Samriti, you are the same Samriti Varma, right? Who has done that counting of toes of frogs, Anna? No, sir. Okay, no, that was someone else. Okay, that was, I guess, Samriti Thakur in that case. Okay, so you have this nostoc over here. So nostoc jo aapka yahan pe hota hai na, nostoc is going to be a bacteria. Bilkul si aapne bola yahan pe, it's a bacteria. And bacteria does not have a nuclear membrane. Bacteria ke andar aapko nuclear membrane yahan pe kabhi bhi aapko dekhne ke liye aapko nahi milega. So that is why this becomes a correct answer. Okay, ab isi mein main aapko aise puchna chahunga, aapke samne yahan pe hai agaricus. Agaricus फंजाई है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, आपके नेबर्स भी जानते होंगे अगर एक आपका फंगाई होता है. मुझे ये बताइए कि ये कौन से फैमिली के अंदर आता है या कौन से ग्रुप के अंदर आता है फंगाई के, बताइए. या वैसे वो बोलिए, पूरा बोलिए. बैसिडियोमाइसिटिस, राइट, कम अंडर द बैसिडियोमाइसिटिस. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये सब आपको याद होना चाहिए. एंड देन यू हैव द पेनिसिलियम. पेनिसिलियम भी बता दीजिए मुझे कि ये कौन से फैमिली ग्रुप के अंदर आएगा फंगाई के. एस्कोमाइसिटीज, वेरी गुड, एस्कोमाइसिटीज. राइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. वॉलवॉक्स कौन से ग्रुप में आता है? ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी. और वो आपका होता है कोलोनियल. बहुत बढ़िया, ठीक है, राइट. सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव सीन. अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन 24. मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. तो मैच द फॉलोइंग का आंसर है आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने ही है, ध्यान से देखिए एंड प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस. हैंड रेज करेंगे आप लोग यहाँ पे. एंड चलिए, किसी ने हैंड रेज किया है यहाँ पे? अभी तक किसी ने भी नहीं किया. बड़ा सिंपल है, अपूर्वा का हो गया है, बाकी लोग पुनीत का हो गया, वेरी गुड. अक्षरा, धीमन, अभिनव. अभिनव आप बताइए. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. अक्षरा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. राइट, ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही आंसर होगा. दैट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. बिल्कुल आपका यहाँ पे सेंट्रियल्स के साथ आपके यहाँ पे लगेगा, आपके यहाँ पे बेसल बॉडी, राइट, सीलिया फ्लैजेला, बेसल सीलिया फ्लैजेला बॉडी एंड क्लोरोफिल विल हैव द थैलाकोइड. अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल आपको मिलता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, इफ यू रिमेंबर दैट. एंड देन क्रिस्टे इज गोइंग टू बी द इनफोल्डिंग्स ऑफ माय इन माइटोकॉन्ड्रिया. बेसिकली आपकी जो इनर मेम्ब्रेन आपकी होती है उसको जो फोल्डिंग होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे क्रिस्टे. अब राइबोसोम अगर आपको नहीं भी मालूम होता तब भी आपको ये आंसर मिल ही जाता, आपको बस दो चीजें पता करनी थी. सो यस, इट विल बी माई ऑप्शन ए ओवर हियर. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन. तो बेसिकली बेटा आपका चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपका यहाँ पे होता है खत्म. ओके, अब हमने करना यहाँ पे ये है दैट विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर. वो आप करेगा यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. अब सेल साइकिल सेल डिवीजन के अंदर मैं चाहूंगा कि आप लोग उसका एटलीस्ट इनिशियल पार्ट पढ़ के आए कि उसके अंदर सेल साइकिल में क्या आता है, बिकॉज दैट इज अगेन समथिंग जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन बन के आपके आएंगे. सो याद रखना, जब हम मिलेंगे वापस से थर्सडे को, एंड आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू कम्स ऑन थर्सडे, राइट, प्लीज मेक श्योर डोंट मिस आउट ऑन द क्लासेस. सो वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ओके, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है बट इसमें से काफी अच्छे और काफी ज्यादा क्वेश्चन बन के आपके आए. सो इट डज हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वेटेज. सो दैट इज द चैप्टर वी विल स्टार्टिंग विद. बायोमोलिक्यूल्स हम लोग बाद में करेंगे, विल डू दैट लेटर. ठीक है, बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स दो जगह पे आपका ओवरलैप कर रहा होता है. विल जस्ट फोकस ऑन द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. राइट, सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. अगर आपके एंड पे अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, सो यस यू कैन गो अहेड एंड लेट मी नो दैट, सो दैट वी कैन फिक्स दैट थिंग. ठीक है, अच्छा, बाय द वे जो नए बच्चे थे आज हमारी क्लास में, आई थिंक एक ही थे, रिधिमा, क्या आप अभी भी क्लास में हैं? मे बी नॉट. ऑलराइट, ओके.